भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले ही मैच में ईशान किशन को डेब्यू करने का मौका मिला। इस खिलाड़ी ने अपने जन्मदिन पर वनडे की कैप हासिल की, जिससे ये मौका और भी स्पेशल बन गया। लेकिन उनका जन्मदिन और भी खास बन गया क्योंकि उन्होंने धाकड़ तरीके से अपनी डेब्यू पारी की शुरुआत की, जिसको देखकर सारे फैंस को मजा ही आ गया। 263 के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम इंडिया को पहला झटका 6 ओवर में पृथ्वी शॉ के रूप में लगा। 3rd नंबर पर ईशान को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। पहली ही गेंद पर इस युवा ने छक्के के साथ करियर का आगाज किया। दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा। प्रेमदास स्टेडियम के चारों ओर शॉट्स लगाते हुए ईशान किशन ने अपने पहले ही वनडे में शानदार अर्धशतक जमा दिया। ईशान ने 42 गेंदों पर 59 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। वनडे करियर की शुरुआत करने उतरे ईशान ने पहली ही गेंद पर धनंजय को आगे बढ़कर जोरदार छक्का जमाया और इसी के साथ उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। इससे पहले किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने अपने वनडे करियर की शुरुआत छक्के के साथ नहीं की थी। हाँ, जरूर T20 में सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर अपने करियर की शुरुआत भले ही की थी। यही नहीं, ईशान अपने जन्मदिन पर ODI डेब्यू करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान से पहले अपने जन्मदिन पर डेब्यू करने वाले भारतीय क्रिकेटर गुरशरण सिंह थे। बता दी, ईशान का जन्म 18 जुलाई 1998 को पटना में हुआ और उन्होंने अब तक 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 60 रन बनाए हैं, जिसमें 150 शामिल है। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 56 रन बनाए थे और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। यानी ओडिया ही नहीं, T20 डेब्यू में भी वो कमाल दिखा चुके हैं। ईशान अंडर 19 कप्तान रह चुके हैं। जिस अंडर 19 टीम के वो कप्तान थे उस समय कोच राहुल द्रविड़ थे और अब उनके सीनियर टीम से ODI डेब्यू के दौरान राहुल द्रविड़ बतौर कोच श्रीलंका दौरे पर मौजूद हैं। हालांकि ईशान यहां तक बिना संघर्ष के नहीं पहुंचे। वो 12 साल के थे जब उनको पटना छोड़ना पड़ा। उनके माता पिता को उनके कोच ने कहा कि अगर ईशान को आगे क्रिकेट खेलना है तो उसको रांची शिफ्ट होना पड़ेगा और झारखंड की तरफ से खेलना पड़ेगा। जी हाँ, वही रांची जहां से भारत के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। ये फैसला आसान नहीं था, मगर ईशान ने रांची जाने की जिद पकड़ ली थी। वो रांची शिफ्ट हुए। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट के लिए सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम के लिए सिलेक्ट भी हुए। सेल ने रहने के लिए उनको एक क्वार्टर दे दिया। छोटे से ईशान को खाना बनाना नहीं आता था, तो उनका काम बर्तन साफ करना और पानी भर के रखना था। उनके पिताजी जब रांची पहुंचे तो ईशान के पड़ोसी ने बताया कि वो अक्सर खाली पेट ही सो जाते हैं। उनके साथ रहने वाले सीनियर्स अक्सर रात को क्रिकेट खेलने चले जाते थे और ऐसे में ईशान कई बार केवल चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पीकर सो जाते थे। उनके पिताजी का कहना है कि ऐसा करीब 2 साल तक चला और इस बारे में उन्होंने कभी भी घर पर कुछ नहीं बताया। ये सब पता चलने के बाद उनके पिताजी ने रांची में किराए का घर लिया, जहां ईशान और उनकी मां रहने लगी। इसके बाद 15 साल की उम्र में ईशान झारखंड की तरफ से रणजी टीम का हिस्सा बन गए। फिर उन्होंने और मेहनत की और बेहतर प्रदर्शन किया। अंडर 19 टीम में वो शामिल हो गए और कप्तान भी बने। 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत उनकी अगुवाई में फाइनल तक भी पहुंचा। न्यूज़ तक ब्यूरो।